आज हमारा फोटोशॉप का पहला वाला क्लास। इसी क्लास में फोटोशॉप का इंट्रोडक्शन दिखा रहा हूँ। देखिए, फोटोशॉप स्टार्ट करने के लिए चाहिए फोटोशॉप ओपन करना है। मैं पहले ओपन कर दिया। मेरे पास है फोटोशॉप सीसी 2015 ये सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप सीसी कुछ करने के लिए पहले न्यू फाइल चाहिए। न्यू फाइल का शॉर्टकट कंट्रोल एन। शॉर्टकट तुम भूल गया तो फाइल मेनू को जाइए। यहाँ पे न्यू न्यू फाइल लेने से तुमको एक न्यू न्यू पैलेट आ गया। न्यू पैलेट पे नेम फर्स्ट जिसके लिए काम कर रहा है उसका नाम दे दीजिए। फर्स्ट क्लास में दे रहा हूँ मेरा फर्स्ट क्लास। देन डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप बहुत सारे डॉक्यूमेंट है। तुमको कस्टम फोटोशॉप साइज लेना है तो उनका फिक्स साइज विड्थ 7.5, हाइट 5 इंच का, रिजोल्यूशन 300। बाद में आ गया कलर मोड। कलर मोड पे बिटमैप कलर, ग्रे स्केल मोड, आरजीबी कलर, सीएमवाईके कलर, लैब कलर, वो 4-5 कलर मोड है। बिटमैप कलर जो कि दो टाइप का है, ब्लैक एंड व्हाइट का बिटमैप कलर, वही सेम है ग्रे स्केल मोड, वही ब्लैक एंड व्हाइट को लेके ग्रे स्केल मोड बना है। आरजीबी देखिए, रेड ग्रीन ब्लू वो तीन कलर को लेके आरजीबी कलर है। सीएमवाईके, सियान, मार्जेंटा, येलो एंड ब्लैक, वो चार कलर को लेके सीएमवाईके हुए है। ठीक है, देखिए कलर मोड पता चला। 8 बिट, 16 बिट एंड 32 बिट तुम जो चाहिए ले सकते हो। बैकग्राउंड कंटेंट यहाँ पे है व्हाइट बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर तुम जो भी दे सकते हो उसमें, या रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, हो गया ब्लू। ठीक है, देन आ गया। फिर से चलिए हमारा डॉक्यूमेंट टाइप को। डॉक्यूमेंट टाइप पे फोटोशॉप साइज है। फोटोशॉप साइज के बाद यूएस पेपर। यूएस पेपर सेम है, कोई चाहिए तो यूएस पेपर आप ले सकते हो। लेटर, लीगल, टैबलॉइड। देन बाद में आया इंटरनेशनल पेपर। इंटरनेशनल पेपर पे सबको पता है A4 साइज का पेपर है, जो पेपर पे हम जेरोक्स कर सकते हो। A5, A6, A3 बहुत सारे पेपर हैं। देन आया फोटोशॉप। तुमको पासपोर्ट चाहिए, यहाँ पे है लिखा है लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, वो बहुत सारे हैं। देन आया वेब। वेब के बाद वेब, तुम वेब पे जो डिजाइनिंग कर सकते हो तो फिक्स वेब साइज का साइज है यहाँ पे। मोबाइल ऐप डिजाइनिंग, आर्टबोर्ड साइज मोबाइल है iPhone 6 Plus, वो 6 Plus का है, 5 का है, जितना सारे मोबाइल है उसका मॉडल नंबर है। यहाँ पे तुम स्क्रीन से बोर्ड सेट कर सकते हो, वॉलपेपर सेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम बाद में ज़्यादा बड़ा साइज का फोटो ले सकते हो, वो तो स्ट्रेच हो गया, कुछ भी हो सकते हो। बट यहाँ पे आके तुम इसी साइज के ले जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर से या फिल्म एंड वीडियो। फिल्म एंड वीडियो सबको पता है, फिल्म एंड वीडियो जो कि टेलीविजन के लिए काम कर रहे हैं। टेलीविजन के लिए यहाँ पे साइज है NTSC, PAL दोनों टाइप के साइज है, HDB,
HD एंड HD। बाद में पता चला नीचे दो तीन है फिल्म 2K 4K, देखिए HD का साइज है। HD मीन्स हाई डेफिनेशन, HD मीन्स स्टैंडर्ड डेफिनेशन। पाल हैज अल्टरनेटिव लाइन, जो कि इंडिया का टेलीविजन टेलीकास्ट फॉर्मेट है। NTSC नेशनल टेलीविजन सिस्टम कमेटी, वो दो टाइप का है। इंडिया पे तुम काम कर रहे हो तो हैज अल्टरनेटिव लाइन ले सकते हो। उनका साइज है 720, विड्थ 576। ओके, इसी तरीके से आप ले सकते हो। देन ओके, मेरा ओपन हो गया। कौन सा वाला ओपन हुआ मुझे पता नहीं चला, फिर से हम देखना पड़ेगा कि हम कौन सा साइज का डॉक्यूमेंट लिया। देखिए कहाँ पे जाऊंगा, इमेज, इमेज साइज, पता चला कि हम 725 76 पे एक साइज लिया है। इस साइज पे हम काम कर सकते हो। ऑल्ट कंट्रोल आई इसका शॉर्टकट है, इमेज साइज का शॉर्टकट ऑल्ट कंट्रोल आई। इसी तरीके से तुम डॉक्यूमेंट ले सकते हो और काम कर सकते हो। डॉक्यूमेंट लेने के बाद उनको पता चला वो जो लाइन है वो लाइन को शेप मार्जिन, लाइन को शेप मार्जिन बोल सकते हो। उनका नाम है शेप मार्जिन। टीवी के लिए तुम काम कर रहे हो तो उसी साइज के अंदर कर सकते हो, अदरवाइज बाहर काम करोगे तो टीवी के बाहर आ जाएगा। यहाँ पे फाइल मेनू, ऑप्शन मेनू, टूल्स बार एंड लेयर, लेयर तुम जो भी काम कर सकते हो एक एक लेयर लेके काम करोगे, क्योंकि ना बाद में तुमको चेंज करना है तो चेंज करने से कोई दिक्कत नहीं आएगा। तुम किसी तरीके से को चेंज कर सकते हो। ओके, आज है मेरा पहला वाला क्लास है, फोटोशॉप इंट्रोडक्शन क्लास। थैंक यू।